सीरियल आपके आ जाने से में आज पूरा घर मना रहा है मकर संक्रांति का त्योहार। पर मकर संक्रांति की इस खुशियों में आ गया है ट्विस्ट, जहां वेदिका की वजह से पंक्ति आ गई है मुसीबत में। जी हाँ, दरअसल बात यह है कि मकर संक्रांति के मौके पर छत पर इकट्ठा हुआ था अग्रवाल परिवार, जहां हर कोई लुफ्त उठा रहा था मकर संक्रांति के इस त्योहार का। यहां पंक्ति वेदिका को बुलाकर दोनों को एक साथ पतंग उड़ाने के लिए कहकर चली जाती है। वहीं सीरियल की कहानी में आता है ट्विस्ट, जब साहिल के साथ पतंग उड़ाते हुए वेदिका खो जाती है अपने पुराने ख्यालों में। यहाँ हर कोई खुशियों में रंगा हुआ है। तो वहीं दूसरी तरफ सीरियल की कहानी में आया नया ट्विस्ट, जब पंक्ति पर आ पड़ती है मुसीबत। दरअसल पंक्ति साहिल और वेदिका को छोड़कर वहां से निकल जाती है। जब वेदिका छत पर होती है अकेले, तब वहां पीछे से आ जाता है कोई अनोन पर्सन, जो वेदिका को पीछे से मारना चाहता है धक्का। पर तभी वहां पंक्ति आ पहुंचती है और वो धक्का पंक्ति को लग जाता है। पतंग उड़ाने की कोशिश कर रही है मतलब पूरी फैमिली, और ये सिर्फ मुझे परेशान करता है और कुछ नहीं। चुम्मी चुम्मी ले लेके और दे देके। और ये तेज प्रताप का प्लान है कि कैसे भी करके वेदिका को ख़त्म कर दे, पर पंक्ति ने वेदिका को बचाने की ठान ली। तो जो आया था वेदिका को पुश करने के लिए, पंक्ति ने मुझे धक्का मार के वो खुद गिर गई। तो अभी पंक्ति जी गिर गई है, तो वो अभी उनका आगे क्या होगा? क्या नीचे है वो, हम ऊपर है, हम फिर भी हमारे पतंग कटी नहीं वो देख रहे हैं कि पतंग तो नहीं कटी ना, वो गिरी तो गिरी। नहीं, ऑफ कोर्स हम लोग नीचे भागेंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स नेचुरली है कि वो गिर गई है और काफ़ी चोट आई हुई है। तो वेदिका और साहिल के लिए तो, और उसकी माँ, हम सब बहुत टेंशन में नीचे भाग रहे हैं। आज की पतंग रेस में सबसे आगे कौन था? पतंग की रेस हुई, मैं तो रोमांस कर रही थी बस, इमेजिनेशन ऑफ साहिल एंड वेदिकाज लव स्टोरी, तो वो तो मुझे पता ही नहीं है। पर अदरवाइज तो शैलेश जो है दीपक, उसकी पतंग काफी ऊपर चली हुई थी। हैप्पी संक्रांति।